हेलो एवरीवन आज का टॉपिक ये है ये इस टॉपिक के बारे में पहले भी बोला था बो, बो इंग्लिश में था कुछ लोग इंग्लिश नहीं समझते इसलिए मैं आज हिंदी में बात करूंगी बात करूंगा और समझाऊंगा कि एक्चुअली क्लियर कौन है एक्चुअली और जितने भी मिस कॉन्सेप्ट है मिस अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में इन टॉपिक के बारे में मैं वो सारे के सारे मिसअरस्टैंडिंग को क्लियर करूँगा तो आजकल को गेप क्या सब प्रॉब्लम यही है कि जो ये जो का मांग के हैं हम इसको मतलब गॉक्स मांग के पहली बात ये लोग गॉक्स नहीं है ये लोग कॉस्मिक बींग है जो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है करने की ताकत रखता है ये लोग कॉस्मिक बींग है आप लोग सर्च कर सकते हैं कि कॉस्मिक का मतलब क्या होता है अब मिल गया होगा वो की इस होल मल्टीवर्स इस इस कॉस्मिक बींग्स और ये ब्रह्मा ने पूरे मल्टीवर्स का क्रिएशन किया था विष्णु ने पूरे मल्टीवर्स को प्रिजर्व कर लिया एक यूनिवर्स नहीं एक दो तीन चार नहीं लाखों करोड़ों मल्टीवर्स को कर रहा है मतलब पूरे सेवन डायमेंशन के प्रोटेक्शन का काम इंट्री को वो कई है और और वो सारे सेवन डायमेंशन के नीचे भी बहुत सारे छोटे छोटे डायमेंशन होते हैं जीरो डायमेंशन वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन फोर डायमेंशन फाइव डायमेंशन सिक्स डायमेंशन मतलब सोचो एक टोटल सेविंग डायमेंशन का क्या मतलब सोचो बोलो कि बंग, पार्फुल, पार्फुल वो लोग कितने पावरफुल हैं बहुत पावरफुल पावरफुल वो लोग जो हम सोच भी नहीं सके और जो हम पिक्चर्स में देखते हैं स्केचू में देखते जो ढोकी पहनता है मुकुक पहनता है सांप गले में है ये वो सिर्फ ये ना उसका अवतार है ये वो लोग का अवतार है जो छोटा वर्सन गीत है मैंने वो उसका रियल फॉर्मिंग नहीं है असली उसको छोटा फॉर्म है बहुत छोटा छोटा फॉर्म करके बनाया गया है जैसे कॉमिक्स में बहुत सारा है डीसी कॉमिक्स में देखोगे को एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डार्क साइड का ओरिजिनल डार्क साइड कैसे गिरता है अगर किसी फैंग हो तो, तो ऐसे ही डार्कसाइड का भी फॉर्म है फिजिकल फॉर्म है पर वो ऑरिजिनल डाकसाइड नहीं है ऑरिजिनल डाकसाइड बहुत पावरफुल है वो चाहे वो चुपके में पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है ये एग्जाम्पल है रिलीजियस पीपल डोम बी रूड आई एम जस्ट केकिंग बाई फैक्ट माई एक्सपीरियंस ठीक है तो ये टींगा बहुत पावरफुल बींग आप, आप समझ गए होंगे तो ये जो घोकी फोकी पहनने वाला वो ना मुझे नहीं लगता कि ये जो घोकी फोकी पहनेंगे मतलब सही में मतलब इन सही इंडिया की सोच मतलब बहुत छोट मतलब बहुत पुरानी है ओल्ड वे, ओल्ड वेस्ट को या भी, अभी अभी भी हम ऐसे ही मांगते के हैं कॉमिक्स में बेटर रेफरेंस किया तो कॉमिक कॉमिक बुक में जैसे वांग वॉल का कॉमिक बोलो या फिर ब्योगा रूप को बोलो देख सकते हो वो बोलो कैसे गिट्टे मतलब और कॉस्मिक का कोई कपड़े भी नहीं होते ना ही उन, ना उनके कपड़े होते ना ही उसके कोई मुकबुक चाहिए ना ही उसके कोई हथियार चाहिए और हाँ इसके साथ में जो हम देखते हैं क्लीगेप को उसको हकीय चाहिए क्योंकि वो लोग उसका लीगल पावर से भागा हुआ है जैसे डार्क साइड का लीगल पावर में भी होते हुए हो भी रखता है वैसे ही वैसे ही वैसे ऐसे भी ए जो जो रियल फॉर्म नहीं है क्लीगेप के वो भी वो भी किसी ने चूड़िया नहीं पहनी हुई है मैं भी उन लोगों के पहले दिग्स समझूंगा पहले लोग से कहाँगी या मैंने है विष्णु ने मतलब जो छोटा फॉर्म है मतलब विष्णु का जो रियल कॉस्मिक फॉर्म कब नहीं रहा करो मैं इन कॉस्मिक क्लिकेप को छोड़ दो इन कॉस्मिक क्लीगेप को छोड़ दो मैं मेन क्री गेप मतलब छोटे मोटे क्री गेप को देखो मेरे जो हर एक यूनिवर्स में है समझ गए क्यों छोड़ो ये क्री गेप पूरा मल्टीवर्स को कौन को ठीक है थीके? और हर एक मल्टीवर्स को उसको हर यूनिवर्स में उसका छोटा फॉर्म रहेगा हर एक यूनिवर्स पे इसलिए को क्या कहे कि इन एवरी यूनिवर्स हैव इ्स ओंग मतलब क्या है उसका छ फॉर्म उसका छोटा बहुत 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 छोटा सा वर्सन जिसका करते हर एक यूनिवर्स में उसका भी जो कि उनका फिजिकल फॉर्म है उसे भी थोड़ा हराया जा सकता है जैसे देखा योगा कहानी में जैसे एक राक्षस भास्मास राक्षस था उससे भी भाग का भागे भाग रहा था उनसे क्यों ऐसा क्यों हुए क्योंकि वो उसका रियल फॉर्म नहीं है इस, इसलिए मैं समझा भस्म हो जाए फिर भी कुछ क्या होगा फिर और एक और कहानी है जैसे के बीच में लड़ाई हुई थी एक, एक एक कहानी है कि ब्रह्मा को मार गया तो क्या होगा तो अगर विष्णु को मार गया तो क्या होगा अगर महादेव को मार गया तो क्या होगा किंगों को मार्गे, मार्गे गोबे तब भी वो फिर से रिजन खोके आगे आएगा क्यों क्योंकि ये तो मैंग्रिकेट नहीं है क्योंकि मैंग्रिकेट मल्टीवर्स को कौन बोलता एक गड़बड़ हो गया ना तो इन्फॉर्म हो जाएगा और ये, ये मैंग्रीगेट जब पूरे तो मल्टीवर्स को कौन करता है ये से सोचो कि ये ंग ब्रेंग है एक ब्रेंग है अगर मैं चुक की काकू या फिर खड़ो क्यों तो तुरंत मिली सेकेंड में अंदर वो इंफॉर्मेशन चलाया जाएगा ब्रेंग में वैसे ही समझ जाएगा कहाँ कहाँ पर अटैक हुआ है कौन से यूनिवर्स में है, कौन से नंबर के कौन से ईयर के सब इंफॉर्मेशन चलाया जाएगा इन लोग इन कॉस्मिक थ्री गैप में अब समझे अब समझे कि जो हम कीजे में सीरियल में क्या क्या भागड़ा है या कोई भागड़ा का वर्गान गंग वाला सब गेपटा गे भी गेपटा होगा वो एक्चुअली रियल फॉर्म है ही नहीं रियल फॉर्म है ही नहीं उन लोगों का इसलिए क्या कहेंगे कि जो विष्णु के या सवकार है या फिर महादेव के बहुत इतने सारे आवकार है एक्चुअली ना वो लोग हम लोग मांगते हैं एक्चुअली मांगने में और कोई प्रूफ साक्ष तो नहीं है कोई साक्ष्य नहीं है अब ये मत कहना कि कृष्ण ने बोला था कि उसने कहा जब जब इविलनेस पड़ेगा तब वो हमेशा आएगा और उसने कभी नहीं कहा कि वो राम है या फिर वो परशुराम है या फिर ये है वो वो एक्चुअली सुप्रीम है टीगेव का भी बाप है त्रिगेव का भी माँ बाप है वो अलग टॉपिक है मैं उसके बारे में बाघ में बाग करूँगा अभी टीगेव को समझो पहले आप देख ही सकते हैं कि ये एक महामार्ग में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर इतने सारे ये है जहाँ पर ट्री भी कृष्ण के सामने झुक गया, गया था बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलेगा आपको इसलिए कि वो कृष्ण भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार है नहीं एक्चुअली कॉस्मिक ट्री का अवतार छोटे विष्णु छोटे विष्णु हैं जो हम इंसानों में फोटो फ्रेम पे देखते के वो लोग कॉस्मिक फिग का अवतार हैं और कॉस्मिक वो जग जंगल भी तो है वो भी उसका रियल फॉर्म है ही नहीं जो साड़ी पे पहन के के साड़ी पहन के नाक में ये लगा जुले जुले इतने सारे चूल्हे ज्वेलरीज का है ये सब एक्चुअली छोटी नीच वाले हैं हमारे ऊपर प्रॉब्लम ये है कि जो धोकी वाला कॉन्सेप्ट मुहकुक वाला कॉन्सेप्ट जब खोएगा मतलब एंसर का को मतलब कोई भी ये पे देखो फोटो फेम पर देखो मूर्ति पे देखो सब वही एक सेम कॉन्सेप्ट है धोकी पैंग वाला, वाला पर सच में ऐसा ऐसा ही है वो लोग कि नहीं ये भी तो सोचो ऐसे भी और भी अलग अलग रीज़ कल्चर में अलग अलग तरह के कर, पोशाक में ग्रीक में ग्रीक की कला पोशाक इस्लाम में इस्लाम की कड़ा पोशाक क्रिश्चन में क्रिश्चन की कला पोशाक रोमन की में रोमन की कला इजिप्ट में इजिप्ट की कला इजिप इजिप सजा गया है भगवान को पर एक्चुअली ऐसे कपड़े पैंग क्यों है ना और आजकल के जो मॉडर्न कॉमिक्स बनाए गए जैसे जैसे मॉडर्न सूट डिजाइन बनाया गया है वैसे हो सकता है क्योंकि अलग अलग प्लानट्स हैं ना कितने सारे प्लान्स हैं हमारे इस एक यूनिवर्स में तो सोचो कि हमें सही लग सही में लगता है कि चीजें धोखी मुँह या फिर साफ कले में त्रिशूल शुरू खड़े होंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं है सिर्फ बोला गया है उसका कोई ये नहीं बोला गया कि वो घोखी पह या फिर मुँह पहन है, पर यह बोला गया कि उसका चार हक है चार मुख है बाकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको सबको थोड़ी सी बहुत समझ में नहीं अभी भी नहीं आ रही होगी कि कॉस्मिक क्ली क्या है और ये जो मैं क्लीगिफ्ट कह रहा हूँ वो क्या है अभी भी कौन, आप लोग कॉन्फ्यूज में हो शायद फिर फिर भी मैं क्लियर कॉस्मिक जो बींग्स है वो लोग पूरे मल्टीवर्स को कंक्रोल करता है जो मल्टीवर्स को कंक्रोल कर है ना उसे धोकी या फिर त्रिशुल की कोई ज़रूरत नहीं कोई भी सुग चक्र गाधा या फिर कोई भी वेपन्स की कोई जरूरत नहीं है और ना ही न्यूक्लियर वेबन्स की वे चुप्पी में दो पास बीस इक्कीस बीस चालीस पचास यूनिवर्सिस को ख़त्म कर ताकत रखता है तो यही सोचो कि अगर वो लोग ऐसे ही कर सकते हैं तो उसे ये कहीं कहीं जागंधन चक्र ये सब क्या सारे वेपन्स की क्या जरूरत है ये तो आप समझो कि हर एक यूनिवर्स में उसका छोटा छोटा वर्सन्सा है समझो इस बात को उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं है उसका जैसे मैं एक सोल हूँ और सोल सोल को तो बहुत पावरफुल हो है ना और जो हमें मैंने बॉडी घरण किए वो ऐसे बहुत, बहुत सारे अलग अलग हो गए अगर इसे जानना है तो पहले पहले सेवन डायमेंस को पहले जानना पड़ेगा और मैंने पहले भी सेवन डायमेंशन के बारे में बहुत सारा वीडियोस बनाए हैं अब फिर भी आपको अगर कोई कॉन्फ्यूजन है फिर फिर भी पका कहूँ कि हर यूनिवर्स का अलग अलग क्रिएशन हो क्या है उसे पहली बात उसे सेवन डायमेंशन का क्या है दूसरी बात सेवेंगे में समय बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है जैसे कि जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट गिफरेंट अर्थ में डिफरेंट गिफरेंट पृथ्वी पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो गया हम सब जानते हैं लेकिन इसके साथ साथ औरजिन भी चेंज हो सकता है जैसे मैं वेस्ट बंगाल के बेलूर के डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था बे, बहुत बेलूर के डिस्ट्रिक्ट में पाला पड़ा था दूसरे अर्थ में ऐसा नहीं होगा मैं दूसरे स्टेट में पैदा हो सकता हूँ बिहार में के पटना स्टेट के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हो सकता हूँ और दूसरी वर्ग में मैं चें के कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हो सकता हूँ दूसरे वक्त चौथे वर्ग पर मैं शायद दिल्ली के कोई भी एक स्टेट में पैदा हो सकता हूँ कोई एक और दुनिया में एक और आर्ट में मैं पाकिस्तान के एक शहर में पैगा हो शहर के डिस्ट्रिक्ट में पैगा हो सकता हूँ कोई और सेट में मैं लॉस एंजलिस में या फिर कोई और मैं लॉस वेगस में ऐसे ही इसके साथ साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट पूरे वर्ल्ड पे उतना डिस्ट्रिक्ट का आर्ट होगा उतना गिस्टिस का मेरे मेरे वर्ष मिल मिल मिलवर्सन होगा अगर हम कल मैं एग्जाम्पल दूँ कि हमारे इंडिया में टू थर्टी फाइव स्टेट्स है डिस्ट्रिक्स है टू थर्टी फाइव डिस्ट्रिक्स है तो टू थर्टी फाइव वर्ल्ड का टू थर्टी फाइव मेला मिल मिलवर्सन मिलेगा आपको हर एक मतलब टोटल टू थर्टी फाइव अर्थ में इंडिया में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मेरा मिलवर्सन मिलेगा आपको वैसे ही वैसा वैसे ही सेम मेरा फीमेल पर्सन टू थर्टी फाइव स्टेक्स में मिलेगा मेरा फीमेल पर्सन टू थर्टी फाइव ग्रिस्ट्स में मिलेगा अलग अलग अर्थ तो कोकल हो गया कि टू थर्टी फाइव स्टेक्स टू थर्टी फाइव अलग अलग, अलग स्टेक में सॉरी ग्रिस्टिक में, में मेरे मेरे पर्सन मिलेगा और अलग अलग अर्थ में मेरा मेल वर्षन में, में, में मिलेगा और अलग अलग आर्ट पे अलग अलग डिस्ट टू थर्टी डिस्ट्रिक टू थर्टी फाइव डिस्ट्रिक्ट में से मेरा फीमेल वर्षन मिलेगा अब आप, आप समझ गए होंगे वैसे ही तो इससे साबित होता है कि अलग अलग यूनिवर्स पे चीजें हमेशा मेल होंगे ऐसा कोई जरूरत नहीं है किसी भी यूनिवर्स में विष्णु भगवान फीमेल के रूप में पैदा हुए क्रिएशन हो क्रिएट हुए के या फिर महादेव को एक यूनिवर्स में फीमेल वर्सन में पैदा हुआ के और वो कोई वो फिजिकली है और जो मैंग है वो तो को उसे कोई ये ही नहीं जरूरत ही नहीं है फिजिकल फॉर्मिंग ना कोई हथियार की अब समझ गए हो गया आप चलो अभी ये पार्ट मांग रखते हैं बाद में और भी अच्छे से समझाऊंगा आप लोग को क के लिए बाय बाय यू गुड बाय